तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को सही चीज़ें बताना। दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पे कई सारे यूज़र ऑनर प्ले को बुक करने के लिए ऑटो फिल का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। ऑटो फिल में आप लोग बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप मोजिला ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, और साथ में एक सॉफ्टवेयर भी आता है जहाँ से आप उसे यूज़ करके कोई भी कहीं भी अगर आपको रेल टिकट भी बुक करना है या फिर आप इस तरह की बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो फिलिंग होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें उनको आसानी हो जाती है बुक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि आप लोगों का अगर आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ भाई आप ऑटो फिल यूज़ कर रहे हैं या फिर रोबोट ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों का ईमेल आईडी ब्लॉक कर लिया जाता है, आप लोगों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है, और साथ में आप लोगों का जो डिलीवरी का एड्रेस होता है उसे भी ब्लॉक कर दिया जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को लास्ट में ही आइडेंटिफाई किया जाता है जब आप पेमेंट करने जाते हैं। तो तब तक आप लोग सारी चीज़ें भर दिए होते हैं तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की ब्लॉक कर दी जाती हैं साइट से, और अदर साइट पर भी कुछ भी उससे रिलेटेड अदर साइट हो तो वहाँ पर भी आप लोगों का एड्रेस और नंबर या फिर ईमेल आईडी सारी ब्लॉक कर दी जाती हैं। तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों से बचना है, जेन्युइन तरीका अपना करके बुक करना है। तो यहाँ पे दो जगह बुकिंग हो रही है ऑनर प्ले फ़ोन की। आप लोग किसी भी तरह का फ़ोन बुक करना चाहें तो ऑटो फिल ना यूज़ करें, ये मेरा सजेशन है। बाकी ऑनर प्ले की बात कर लेते हैं कि आप लोग जेन्युइन तरीके से कहाँ से बुक कर सकते हैं। तो एक तो अमेज़ॉन पे मिल रहा है, एक ऑनर की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहा है। तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक मिल जाएगी। आप लोग जहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, अगर अमेज़ॉन पे ट्रस्ट करते हो तो अमेज़ॉन पे जाकर के आप क्लिक करके आ सकते हो। अगर आप ऑनर पे क्लिक करते हो ऑनर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप ऑनर पे आकर के इसको बुक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम ऑनर की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे कैसे बुक करना है, कैसे नोटिफिकेशन लेना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बुक करने के लिए यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे। अगर प्रोडक्ट है अवेलेबल तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी कि भैया प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, मैं आप लोगों को बाद में नोटिफिकेशन दूंगा। फिर आप लोग यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, जैसे कि हमारा ईमेल एड्रेस है contact@theindianfever.com। फिर इसको डालने के बाद आप लोग यहाँ पे नोटिफाई पे क्लिक कर देंगे, फिर आप लोगों को एक पॉपअप विंडो आएगा, थैंक यू यू विल बी नोटिफाइड व्हेन द प्रोडक्ट इज अवेलेबल। ये आप लोगों को सिंपली कर देना है, आप लोगों के ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाएगी 1 घंटा 45 मिनट पहले, जिससे कि आप लोग अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है। चलो अब यहाँ से बुक कर लेते हैं, अगर आप ऑनर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के करते हैं तो। अब यहाँ पे बात आती है कि आप अमेज़न से कैसे बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अमेज़न पे आप ट्रस्ट करते हैं तो डायरेक्ट आप अमेज़न के लिंक पे आ जाइए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आप लोग को सिंपली यहाँ पे नोटिफाई मी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लिक करने के बाद Amazon डिलीवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन इन सक्सेसफुल, यानी कि यहाँ पे आप लोग का सब्सक्रिप्शन ऑप्शन सक्सेसफुल हो गया है। आप लोगों का Amazon कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल होने से पहले नोटिफिकेशन दे देगा। आप लोग यहाँ पे जो भी नंबर दे रखे हैं या फिर जो भी ईमेल आईडी दे रखे हैं, यहाँ पे आप लोग को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे सिंपली लॉग इन करने की ज़रूरत है, फिर आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये जो 19,999 की रेंज है, यानी कि पूरी मिलाकर के 20,000, क्या इस रेंज में आप लोगों को कोई दूसरा बेटर फ़ोन मिल जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अभी फ़िलहाल में इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जीपीयू टर्बो और केरिन 970 AI चिपसेट के साथ, अभी फ़िलहाल फ़ोन अवेलेबल नहीं मिलेगा आप लोगों को इससे बेस्ट क्वालिटी का फ़ोन। जीपीयू टर्बो लगने से हो गया क्या दोस्तों कि आप लोगों का जो भी गेम चलेगा, चाहे आप कितने भी बड़े गेम चला लो, जितने भी सपोर्टिव गेम हैं इस फ़ोन में, काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्मूथली तरीके से चलेंगे, और आप लोगों को ग्राफिक काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और इसके लगने से जीपीयू टर्बो से होगा क्या दोस्तों कि आप लोगों की जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से ये फ़ोन अभी 19,999 के रेंज में मैं आप लोगों से कहूँगा बेस्ट है। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो ये बजट फ़ोन, काफ़ी अच्छा फ़ोन आप लोगों को मिल जाता है। बाकी आप लोग इसके और कन्फिग्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है 3750 mAh की बैटरी है विथ फास्ट चार्जिंग, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोग बताया 970 का AI चिपसेट है, फुल HD ऑनर फुल व्यू डिस्प्ले लगा है इसमें, और काफ़ी अच्छा इसमें स्मार्ट सॉक का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, जैसे कि अगर आप गेम खेलते हैं तो आप लोगों का जो ड्यूअल सॉक होता है, आप लोगों के जॉयस्टिक वगैरह मिल जाता है आप लोगों के फ़ोन में भी देखने को, जो कि मिल जाएगा। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे आकर देख सकते हैं, यहाँ मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर आप फ़ोन लेने की सोच चुके हैं तो आप लोग पहले से इन सारी चीज़ों को चेक कर
चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों को, अगर वीडियोस वगैरह वॉच करते हैं तो वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और भी कई सारे कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को यहाँ भी मिल जाएंगे, तो एक बार इन चीज़ों को जरूर चेक कीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से लास्ट में सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग अगर यूज़ करते हैं इस तरह के एक्सटेंशन ऑटोफिल वाले, तो प्लीज़ आप उसे यूज़ ना कीजिए, इस तरह का जेन्युइन तरीका आप यूज़ कीजिए। आप लोग, कई लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आई क्योंकि मैं आप लोग काफ़ी सिंपल तरीका बताया हूँ, तो दोस्तों यही सिंपल तरीका आप लोग अपनाइए इसको बुक करने के लिए, बाकी और किसी ऑप्शन के साथ ना जाइए, ये मेरा सुझाव है। बाकी आप लोग अगर अपना ईमेल एड्रेस ब्लॉक कराना चाहते हैं, अपनी डिलीवरी एड्रेस को ब्लॉक कराना चाहते हैं, तो आप लोग जाइए, उसमें आप लोगों का रिस्क है दोस्तों, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप लोगों की ये चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता चले कि हम जेन्युइन तरीके से कैसे इस फ़ोन को बुक कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के फ़ोन को कैसे बुक कर सकते हैं, या फिर कहीं भी हम ऑटोफिल के एक्सटेंशन को ना यूज़ करें। और साथ में दोस्तों अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को वहाँ पर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के तहत आप लोगों को मनी मेकिंग टिप्स और भी कई सारी जानकारियाँ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी, एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेगी। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।